ज़रूरी सोचना, अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद भी आपको अपने बचपन की याद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी बचपन की यादें फिर से तरोताज़ा हो जाएंगी। हमने फिर से इसलिए कहा क्योंकि इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही उस वीडियो को देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने कमेंट की थी कि इसका सेकेंड पार्ट भी बनाओ और बचे हुए कार्टून्स के बारे में भी बताओ, तो मैं आज आपके लिए सेकेंड पार्ट लाया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत यादगार होने वाली है। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। नंबर एक, निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी एक ऐसा कार्टून शो था जिसने हमारा बचपन काफी यादगार बना दिया। ये निक पर आता था और इस कार्टून में निंजा हथौड़ी नए नए तरीकों से केनिची की मदद करता था, और ये पहला ऐसा शो था जिसने हमको निंजा शब्द से इंट्रोड्यूस करवाया। नंबर दो, परमैन। ये कार्टून शो भी आपको काफी अच्छे से याद होगा। इसमें कैसे मित्सुओ अपने रोबोट के नाक पे क्लिक करके अपने जैसा एक और मित्सुओ बना देता था और उसको अपने होमवर्क करने के लिए दे देता था और खुद शहर की रक्षा करने के लिए चला जाता था। डोरेमोन। दोस्तों, अगर आप चाहो भी तो इस शो को कभी नहीं भुला सकते। ये एक ऐसा लेजेंडरी शो है जो हर एक के दिलों में जाकर बस चुका है। दोस्तों, वैसे ये शो नोबिता की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है और काफ़ी प्यार मिल रहा है आप लोगों का उस वीडियो पर। ज़रूर जाकर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। नंबर चार, शॉन द शीप। इंसान शरारत करते हैं ये तो सुना था, मगर जानवर भी शरारत करते हैं ये पहली बार इस कार्टून शो में देखा। जी हाँ दोस्तों, आपको भी याद होगा ये कितने कमाल का शो था, जिसको देखने के लिए हम लोग सुबह जल्दी उठ जाया करते थे और ये हमेशा सुबह ही सुबह आता था। नंबर पाँच, मिक्की माउस। सच में दोस्तों, काफ़ी मज़ा आता था ये शो देखने में, और ये शो भी सुबह के वक्त ही आता था। मुझे ठीक से याद नहीं, शायद ये सिर्फ संडे संडे ही आता था। कमेंट बताओ आप लोग, ये शो संडे संडे आता था या रोज आता था? बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हां भाई हां। नंबर 6, बॉब द बिल्डर। दोस्तों, इस शो से हमें पता चला था कि एक बिल्डर की लाइफ कैसी होती है, और जितना हमने मशीन्स के बारे में बुक्स में नहीं पढ़ा था उससे ज़्यादा तो हमने इस शो से सीख लिया था। सच में दोस्तों, उस टाइम के शोज बहुत ही कमाल के आते थे। देखो ये आया, ये प्यारा रोबोट डांस। नंबर 7, रोबोट डांस। दोस्तों, ये बहुत ही कम लोगों को याद होगा, लेकिन कभी न कभी तो आपने इसको टीवी पर जरूर देखा होगा। लाया हूँ मैं देखो कमाल का जादू, दोस्त बन जाओ या हो जाओ छू। नंबर 8, अल्ट्रा बी। दोस्तों, सच बताऊं तो ये शो मुझे बचपन में भी बच्चों वाला लगता था। मैं बहुत कम इसको देखता था, आप कितना देखते थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा चक्कर लाई पे गजब हो गया, ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया, हिज बेंटन। नंबर 9, बेंटन। दोस्तों, ये कार्टून शो आपको कैसा लगता था? मैं इसको बहुत कम देखता था, लेकिन मुझे इतना याद है कि इसकी वॉच में शायद 10 सुपर हीरोज थे जिसकी मदद से ये एलियंस को हराता था और ये कार्टून नेटवर्क पर आता था। दोस्तों, कार्टून तो इतने हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, और आप देखते देखते अभी भी बहुत सारे कार्टून्स रह गए हैं जिनके बारे में मैंने नहीं बताया है। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन सीरीज के बारे में। नंबर 10,
हीरो, हीरो के नाम में ही हीरो शब्द है, ये भी आपको अच्छे से याद होगा। हीरो भक्ति ही शक्ति है, जिसमें वो एक रिंग पहनकर हीरो बन जाया करता था और दुश्मनों से लड़ता था। काफ़ी कमाल की सीरीज थी ये। नंबर 11, पावर रेंजर्स। दोस्तों हीरो की तरह ही पावर रेंजर्स भी एक सीरीज थी, जिसमें पावर रेंजर्स अपने शहर को बचाने का काम करते थे। मुझे ये अजीब तब लगता था जब सारे लाल पीले हरे नीले पावर रेंजर्स अपना इंट्रो देते थे और विलन इतनी देर खड़ा उनका इंट्रो सुनता रहता था। लेकिन सच में दोस्तों इसने भी अपना बचपन कमाल का बना दिया। नंबर 12, शक्तिमान। बात अगर सुपर हीरोज की हो रही हो और उसमें शक्तिमान ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोस्तों ये हमारे भारत का सबसे पहला सुपर हीरो था, जिसने हमको एंटरटेन करने के साथ साथ बहुत सारी सीख भी दी थी। और ये शो दूरदर्शन पर आता था और ये सिर्फ संडे संडे ही आता था। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को हॉरर वे में ख़त्म करते हैं। हॉरर वे इन द सेंस, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको चाइल्डहुड हॉरर शोज़ के बारे में बताएंगे, जो रात में ही आते थे और हम जैसे मासूम बच्चों को बहुत डराते थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन कौन से कार्टून शोज़ आप भूल चुके थे जो हमारी वीडियो देखने के बाद आपको याद आए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।